रीजनिंग कैलेंडर चैप्टर, सबसे महत्वपूर्ण जो हमने आपको कल बताया, कल परसों दो दिन बताया, सबसे महत्वपूर्ण यही है, सबसे ज्यादा फंसाने वाला क्वेश्चन यही है, यही है। कोई भी दिए हुए डेट का, कोई भी दिए हुए तारीख का दिन निकालना। जितनी किताब पढ़ी है उतने तरीके जो दिमाग घूम जाता है। अब इसमें हमने पढ़ा क्या, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कोड जरा बता दीजिए नॉन लीप ईयर के लिए, नॉन लीप ईयर के लिए कोड बताइए। जीरो, जनवरी का जीरो, ज से जनवरी, ज से जीरो, जीरो। फरवरी का तीन, मार्च का तीन, अप्रैल का छह, जून का चार, जुलाई का छह, दो, अक्टूबर का जीरो, नवंबर का तीन, दिसंबर का पांच। सही है, बाकी सब में सेम सेम। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी बात, एक तो ये बात रहा आपको माइंड में रखना, पहली बात ये रहा माइंड में रखना, दूसरी बात दिए हुए ईयर में, सन में, जैसे 1947, 1947 में ईयर क्या है और शताब्दी क्या है। 19वीं शताब्दी ईयर 47, 20वीं शताब्दी ईयर 47, 20वीं शताब्दी हो गया है, 20वीं शताब्दी, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे हम, देखने में 19 है लेकिन शताब्दी कहेंगे 20वीं 20वीं शताब्दी। ईयर कितना, 47 सैतालीस है साल, साल 47 और शताब्दी 20वीं। किसी भी दिए हुए में आपको ईयर को अलग करना है, लास्ट के दो अंक ईयर हो जाता है और शुरू के दो अंक शताब्दी हो जाता है। जैसे मान लीजिए 2002, तो दो अंक देखना है, साल कितना है दूसरा, और शताब्दी कौन सा है 21वीं। ठीक है ना, समझ में आ गया। अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, कब तक चलेगी, जब तक 100 पूरे नहीं होंगे तब तक, 2100 तक, 2100 तक। अब 2100 एक जैसे ही हो गया तो 2100 तो हो गया ना, 2100 तो हो गया। अब 2100 के बाद आप आए हैं, तो 2100 के बाद आए हैं तो 22वीं। 2000 तो हो गया ना, आप 2000 के बाद चल रहे हैं ना। तो अगर 21वीं शताब्दी की बात किया जाए, मतलब 2001 से लेकर के आगे तक का कोड हो, 2001 से लेकर के आगे तक का कोड हो, आगे तक का शताब्दी दिया हुआ हो या इस फॉर्म में दिया हुआ हो, तो इसके लिए कोड कितना हो जाएगा, 6। आइए 15 अगस्त 1947 का देखते हैं, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, था कौन सा दिन था। तो कौन सा दिन था, तो आपको पता है ऊपर में 5 कर्म होते हैं निकालने के लिए। पहला तो होता है जस्ट आप दिनांक लिख दीजिए, उसके बाद आप मंथ कोड लिख दीजिए, मंथ कोड,
उसके बाद आप ईयर लिखिए, हूबहू ईयर को लिख दीजिए, फिर बात फिर ईयर को चार से भाग दे देने का जो भागफल आता है, ये जो भागफल आएगा वो भागफल लिखना है, और फिर आपने शताब्दी का कोड लिख देना है, जो भी है आपका 1947 कौन सी शताब्दी है, 20वीं, इसका कोड कितना है, 0 0 शताब्दी कोड, सेंचुरी कोड, SENTURY सेंचुरी कोड। तो हमेशा याद रखना है अगर 19 पहले आया है, 1900 से लेकर के 1999 तक 20वीं शताब्दी, शताब्दी तो 20वीं है, 20वीं शताब्दी में आ रहा है, इसमें 1900 कौन सी शताब्दी है, 20वीं 18वीं होगा ना, 18वीं शताब्दी है, एक साल घूम जाता है इसमें, एक साल इधर उधर हो जाता है, वो तो मैं आपको शताब्दी पहचान करने का तरीका बताया, ठीक है, 1918वीं शताब्दी में आता है। अब यहाँ आपको शताब्दी सीखना नहीं है, शताब्दी एक टर्म आया इसीलिए शताब्दी बता दी, शताब्दी है क्या, 1900 से लेकर के 1999 तक की बात की जाए तो पहले दो अंक 1919 है, इनके लिए कोड 0, जनरली यही पूछा जाता है, इससे दूसरा कुछ पूछा नहीं जाता है। अगर कुछ देगा 2000 से रिलेटेड, 2001 से लेकर के 2000 कुछ तक 99 तक, तो इसके लिए कोड कितना, 6, ठीक है ना। एक दो तीन चार पांच टर्म, कहीं भी पांच टर्म, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी भी तरह का सवाल पूछ दे कोई कंफ्यूजन नहीं, यही पांच रहेगा, बताते आपको ईयर पहचानना आना चाहिए, भाग देना आना चाहिए, शताब्दी का कोड पता होना चाहिए, महीने का कोड पता होना चाहिए, हर जगह यही होगा। बटा सेवन, बटा सेवन से इसलिए भाग रहे हैं, ये सब हमको दिन दे रहा है, ये सब क्या निकल रहा है, दिन दिन टोटल जोड़ करके दिन आ जाएगा, उसको हम ईयर, उसको हम हफ्ते का अलग, उसको हम उसमें कितने हफ्ते होते हैं हफ्ते अलग कर लेंगे, जो बाकी बचेगा वो शेष बचेगा ना, तो दिन बचेगा, मान लीजिए टोटल जोड़ करके 10 दिन आ गया, 1 2 3 4 5 को जोड़ करके 10 आ गया, तो 10 दिन में कितने हफ्ते, एक हफ्ते, हफ्ते को अलग करने के लिए मैं 7 से भाग दे रहा हूँ, अगर 7 से भाग दूंगा तो एक हफ्ता अलग और 3 दिन से अलग, एक हफ्ते 3 दिन, तो 7 से भाग दे रहे हैं हम दिन निकालने के लिए कि बचा हुआ खुदरा दिन कितना है हमारा खुदरे में, तो अगर 7 दिन हो गया तो एक हफ्ता हो गया ना, वो तो अलग हो गया, अगर यही टोटल जोड़ करके 8 होता तो इसको कहते एक हफ्ता एक दिन, तो हफ्ते को अलग करिए और दिन को बस निकालिए एक दिन, अगर यही बस 13 होगा तो हम कहते एक हफ्ता 6 दिन, एक हफ्ता 6 दिन, तो हफ्ते को काटने के लिए हम 7 से भाग दे रहे हैं, 6 दिन बचेगा, 7 से भाग इसलिए दे रहे हैं, तो 15 अगस्त का कोड हमेशा लीप हो चाहे नॉन लीप हो, दोनों में नॉन लीप ईयर, लीप ईयर, ईयर कितना 47 को 4 से भाग देंगे तो भागफल लिखना है यहां कितना होगा, 4 1 2 4 47 से 11 47 को 4 से भाग देंगे, सिर्फ भाग पर लिखना है, हमेशा यहाँ पर हमेशा वही लिखना है जो आपका ईयर दिया हुआ है, ये आपका ईयर है, ये शताब्दी को इंडिकेट करता है, शताब्दी को सूचित करता है, और ये आपका ईयर को इंडिकेट करता है, शताब्दी में ईयर आते हैं ना, शताब्दी में ही ईयर आते हैं, ठीक है, तो ये ईयर को इंडिकेट करता है, ईयर को 4 से भाग दे दीजिए, जो भागफल आए वो लिख दीजिए बस, हर जगह कहीं कोई डाउट नहीं। अब ये आया आपका शताब्दी, चाहे जितना भी है, ये 19वीं है चाहे 18वीं है, आप समझिए पकड़िए कि क्या है, लेकिन कोड इसके लिए 0, जहां भी 19 लगा हो पहले कोड 0, जहां भी 18 लगा हो
तो कोड कितना? अगर मान लीजिए 1947 था, 1847 होता तो कोड कितना होता शताब्दी कोड, 1747 होता तो कितना होता, 1647 होता तो कितना होता। ऐसे देखिए आप, 2047 होता इसके बाद होता ना, 2147 होता यही होता ना। तो आप जब पढ़े हैं इसके लिए कितना है, जीरो जीरो, इसके लिए पढ़े हैं आप छह, तो देखिए छह के बाद चार, 2247 होता तो कोड आपका दो, 2300 होता तो फिर जीरो, फिर छह, फिर चार, छह चार दो जीरो, छह चार दो जीरो से भैरी करते रहता। अब 1856 देखिए ना, छह चार दो जीरो, ऐसे ही आपका स्क्रीन बन गया। तो जब जीरो से पहले क्या आता है, दो, तो दो ही आएगा ना, छह चार दो जीरो, यहाँ भी छह चार दो जीरो, छह चार दो जीरो। अब आपको ऐसे ही पकड़ लेना है, अगर 1600 का 1700 का भी पूछे, लेकिन पूछता नहीं है 1600 1700 1800, पूछता है 1900 का। शताब्दी कोड समझ में आ गया? पीछे करोगे 87 और प्लस 11 प्लस 0 बटा 7, पूरा जोड़ने के बजाय पूरा जोड़ दीजिए, पूरा जोड़े तो कितना गया, 75 बटा 7 कितना। यहां पर क्या लिखना है, शेषफल लिखना है हमेशा, शेषफल यहां पे भागफल, यहां पे शेषफल, लास्ट में शेषफल, शेषफल कितना आएगा, 5। तो पांचवा कौन सा दिन है हफ्ते का, बाकी बाकी किताब में सुनो, बाकी किताब में तो पहले मंडे को दो कहता था, ट्यूजडे को पता ना क्या कर, ऐसा भी था ना, लेकिन कुछ नहीं करना है, मंडे पहला दिन है, पहला मंडे का कोड वन, कोड याद करने की जरूरत नहीं है। पांचवा दिन कौन सा होगा, शुक्रवार होगा। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई भी आप निकाल करके देख लीजिए। अच्छा ये आप जोड़ दिए ना, जोड़ के 75 किए, बिना जोड़े भी निकल सकता है कि नहीं, 75 इतना जोड़ने की जरूरत है। अगर मान लो यहाँ 87 आ जाता 1987, तो यहाँ पर 87 लिखते, 98 आ जाता, बड़ा बड़ा डिजिट आ जाता ना। अगर नहीं जोड़ना है तो 7 से आप 15 को भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, अंतोगत्वा, हमें शेषफल ही निकालना है सबका, जोड़ करके सबका। तो क्यों ना हम पार्ट बाई पार्ट के हिसाब में तोड़ दें, 15 7 7 से 15 में भाग देंगे, शेषफल 1। अब ये 2 क्या है, 2 दिन है हमारे यहाँ, 2 दिन है, 2 दिन में कितने हफ्ते, 0 हफ्ते, और दिन कितने, हमें दिन ही निकालना है, खुले के कितने दिन बच रहे हैं, तो ये तो छोटा है, तो दिन ही बचेंगे, हफ्ते तो इसमें होंगे नहीं, छोटा है इसलिए 2 का 2 लिख दिए, 47 7 6 42 3 बच जाएगा, 3 दिन इसमें खुला मेरे को मिल गया, खुला 3 दिन मिल गए, यहाँ से 1 दिन मिले, यहाँ 2 दिन मिले, 5 बजे, यहाँ से 1 दिन मिला, यहाँ से 2 दिन मिला, यहाँ से 5 दिन मिला, यहाँ से कितने दिन मिलेंगे, भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, बाकी शेषफल 4, 4 दिन हम इतने मिल गए, 1 2 5 4, 0 से भाग देंगे तो कुछ नहीं, 0 दिन है, 0 ये सब ऊपर में दिन लिखा हुआ है, पांचों टर्म क्या है, दिन है, ये 0 दिन है, अब दिन ही लिखना है, तो 0 का 0 लिखेंगे ना, भाग भी देंगे भाग पर, शेषफल भी आपको 0, भाग पर भी 0, सब इसमें 0 ही है, 0 बटा 7 जीरो, भागफल भी 0 और शेषफल भी 0। तो आपको मिल गए 1 दिन और 2 दिन, हो गए 3 दिन और 5 दिन, 8 दिन और ये 4 दिन, 12 दिन, 12 दिन हो गए टोटल आपके पास, 12 दिन हो गए। तो कितने हफ्ते कितने दिन हुए, एक हफ्ता 5 दिन। तो हफ्ता लिखना नहीं है हमको, केवल दिन लिखना है।
बटा सात, तो इसको फिर लिख सकते हैं 12/7। एक हफ्ते, एक हफ्ते 5 दिन, तो एक तो क्या हुआ भागफल हुआ ना, तो भागफल को हमें लिखना नहीं है, हमें शेषफल लिखना है। हमें क्या लिखना है? शेषफल। शेषफल, तो शेषफल आ गया 5, तो ये थोड़ा शॉर्ट में हो गया। 5वां दिन कौन सा दिन? शुक्रवार। कोई भी एग्जाम्पल आप दीजिए, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन कहा था जो छूटा हुआ था, यहाँ पर जब 1700 आ जाए, 1600 आ जाए, तब 1600 आ जाएगा तो लीप ईयर हो जाएगा, 1700 आ जाएगा तो अनलीप ईयर हो जाएगा। आप लीप ईयर नॉन लीप ईयर का कंसेप्ट तो आपको जानना जरूरी है। हाँ, 1800 अनलीप ईयर, ठीक है, हो गया।